हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाली प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुज्जर ने बताया कि राजस्थान में हुई रीट 2021 भर्ती परीक्षा में हुई भारी धांधली व पेपर आउट के कारण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सीबीआई जांच करवाने को लेकर किया प्रदर्शन। पार्टी के कई लोग ने उपस्थिति देकर जिला कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल के नाम पत्र देकर जताया विरोध। राजस्थान में हुई रीट 2021 भर्ती परीक्षा में हुई भारी धांधली व पेपर आउट होने के प्रकरण को मद्देनजर रखते हुए सीबीआई जांच करवाने। राजस्थान में हुई रीट 2021 भर्ती परीक्षा में भारी धांधली हुई व पेपर आउट हुआ, चूंकि पूरे मामले में राजस्थान की रीट 2021 भर्ती हुई और एक संगठित गिरोह ने राजस्थान की सरकार के जिम्मेदारों के संरक्षण में पेपर आउट किया। और दुर्भाग्य इस बात की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जिन लोगों के पास रीट 2021 करवाने का जिम्मा था, उन्हीं जिम्मेदारों ने पेपर आउट करवाया। राजस्थान सरकार की जॉब एजेंसी SOG ने भी स्वीकार कर लिया कि जयपुर स्थित शिक्षा संकुल उत्त पेपर की निगरानी में गैर सरकारी लोगों को निगरानी के जिम्मे में शामिल करना और शिक्षा स्कूल जैसे स्थान से पेपर आउट होना यह इंगित करता है कि राजस्थान सरकार में बैठे मंत्रियों, अधिकारियों, CMO के सह के बिना यह असंभव था। इस पूरे मामले में एक बात सामने आई है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जिन्हें रीट परीक्षा में अहम जिम्मेदारी मिली थी वो कांग्रेस के राजीव गांधी स्टडी सर्कल संस्था में सदस्य और पदाधिकारी हैं, जिसके संरक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री और नेशनल कोऑर्डिनेटर राजस्थान सरकार के एक मंत्री है। वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष DP जारोली सदस्य और रीट जयपुर कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर संस्था के जयपुर रीजन कोऑर्डिनेटर है। SOG राजस्थान सरकार की एजेंसी है, इसीलिए पर्दे के पीछे जो असली जिम्मेदार बैठे हैं उन्हें वो नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि पेपर जब आउट हुआ तब राजस्थान सरकार के जिम्मेदार यह दावा कर रहे थे कि पेपर आउट हो नहीं हुआ, इसलिए मामले में CBI जांच जरूरी है। पेपर एक संगठित गिरोह ने लेकर बड़ी रकम लेकर कई लोगों को बेचा, इससे साफ जाहिर है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा। और मामले में राजस्थान सरकार की आज एजेंसी जब पेपर आउट होना मान चुकी है तो ऐसे में पेपर को रद्द करना जरूरी है, जो नहीं किया जा रहा है। RBSA के अध्यक्ष DP जारोली को भारी दबाव के बाद हटाने के बाद अब तक उन्हें हिरासत में नहीं लेना इस बात का संकेत है कि बड़े हाथ इस धांधली में है, क्योंकि जाली ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा था कि राजनीतिक संरक्षण 10 साल पहले RTET के पेपर जिस फर्म से छपवाए गए थे उसी फर्म से इस बार भी पाए गए हैं और गड़बड़ी उस समय भी हुई और उसके बावजूद उस जेसी को फिर से प्रिंट का जिम्मा दे दिया गया। फिर राजस्थान के किस अधिकारी ने उसी फर्म को यह काम दिलवाया, यह जांच का विषय है। और यह बात इस बात का भी इंगित करती है कि एक बड़ा वित्तीय घोटाला भी हुआ है। शासन को उक्त भर्ती परीक्षा प्रकरण की पूरी जांच CBI से करवाने व परीक्षा को रद्द करने के लिए शासन को निर्देशित किया जाए। जागरूक TV के लिए पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।